ओम शांति। स्नेह की देवी शक्ति स्वरूपा दादी प्रकाशमणि जी के अनुभवों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये पीछे जो आप देख रहे हैं वो भवन है जो ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स का चेहरा बन गया है, जिसे आपने अनेक बार पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन में देखा होगा। ये पहले इतना मनमोहक नहीं था, पहले यहाँ एक पहाड़ी हुआ करते थे। 81 में ये जमीन ली गई और ओम शांति भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। दादी जी केवल भवन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन भवन को मंदिर बनाना चाहते थे। एक ऐसा मंदिर जहां सबकी श्रद्धा, सबकी भावना उनके तन मन धन के रूप में लगे। इसीलिए जब इसके निर्माण और खर्च की बात आई तो बहुत सारे संपन्न भाई बहने जो विद्यालय से जुड़े हुए थे, कुछ विदेश के भी थे, उन्होंने कहा कि दादी इसके निर्माण का पूरा खर्च हम उठाएंगे, लेकिन दादी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सबका धन यहाँ पे लगेगा तभी तो सबको यहाँ अपनत्व फील होगा, इसीलिए सभी को अपना धन यहाँ लगाना है। और इस प्रकार बूंद बूंद करके सबके धन से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। केवल इतना ही नहीं, दादी जी यहाँ सभी मधुबन निवासियों के साथ, भाई बहनों के साथ कार सेवा किया करते थे। अपने हाथ से दादी ने यहाँ पत्थर तोड़े हैं, तगाड़ी उठाई है। आप सोच सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका यदि कोई आता और पूछता कि यहाँ की मुख्य प्रशासिका से मैं मिलना चाहता हूँ, और कोई कहता कि देखो जिसने पत्थर उठाया हुआ है, जिसने वो तगाड़ी उठाई हुई है, वो यहाँ की मुख्य प्रशासिका है, तो कैसा अद्भुत नजारा होता। लेकिन ये सत्य है, दादी जी रोज शाम को यहाँ पे आकर सभी भाई बहनों में उमंग उत्साह भरा करती थी और खुद खड़े होकर के निर्माण कार्य की देखरेख किया करती थी और स्वयं भी इस कार्य में अपना योगदान दिया करती थी। दादी जी एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता थे, उनके कार्य कराने का एक अलग ही अंदाज था। ओम शांति भवन के निर्माण में भी एक बहुत ही सुंदर सा वाक्या है। दादी जी ने यूएन के कुछ ऑफिशियल्स और विदेशी भाई बहनों को, साथ ही भारत वालों को भी निमंत्रित किया था ओम शांति भवन के उद्घाटन में। विदेशी भाई बहनों ने कहा कि हम फरवरी फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, लेकिन दिसंबर तक यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया था। एक दीवार नहीं खड़ी हुई थी, कैंची नहीं लगा था, साउंड सिस्टम नहीं था, टाइल्स नहीं लगे हुए थे। सोचें, दिसंबर में ये स्थिति थी और फरवरी में उद्घाटन की बात थी। लेकिन दादी जी में एक गजब की क्षमता थी और यूनिक तरीका था कार्य कराने का, वो डेट फिक्स कर दिया करते थे। दादी जी ने भी 8 फरवरी 1983 का डेट फिक्स कर दिया कि इस दिन हमें उद्घाटन करना है, और सभी में बहुत उमंग उत्साह भरा, जोश भरा, शक्ति भरी, ये कार्य हम सबको मिलकर करना ही है। इससे सभी में दुगनी चौगुनी सौगुनी एक उत्साह वाली बात आ गई। दादी जी स्वयं खड़ी हुई और सभी ने मिलकर के कार्य को संपन्न किया और नियत तिथि पर 8 फरवरी 1983 को ओम शांति भवन दुल्हन की तरह सजकर तैयार था उद्घाटन के। से यहाँ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंसेस होने लगे। ये हॉल गवाह है कि यहाँ कितने बड़े बड़े विद्वान, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े राजनेता, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिग्गज आए और दादी जी के प्यार और आशीर्वाद के
पात्र बने। दादी जी के साथ के सुंदर अनुभव लिए आज हमारे साथ हैं जर्मनी से सुदेश दीदी, मुंबई विले पार्ले से योगिनी दीदी, हेडक्वार्टर्स से मृत्युंजय भाई जी, सांता क्रूज मुंबई से मीरा दीदी और न्यूयॉर्क से गायत्री दीदी। कैसे दादी जी ने इन्हें और कोटि कोटि आत्माओं को अपने स्नेह के जल से सींचकर शक्ति स्वरूपा बना दिया, आइए इन्हीं के मुखारविंद से सुनते हैं। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि जी, जैसा था नाम प्रकाशमणि, ज्ञान के प्रकाश में सूर्य समान प्रकाश, प्रेम के प्रवाह में सागर समान, लहरों में लहरना और लहराना, और जेंटलनेस में, कूलनेस में चंद्रमा समान शीतलता का प्रकाश। प्रकाशमणि दादी जी का जन्म पत्री का नाम रामा था, आर से था तो रामा नाम मिला था, और दादी जी के फादर का इंटरेस्ट ज्योतिष विद्या में था, तो उनकी जन्म रेखाओं में जब उन्होंने जन्म पत्री बचवाई मतलब पढ़ाई, तो उनको ये खुद भी थोड़े इंटरेस्ट था, तो इसलिए जानते थे कि ये कन्या बहुत प्रभाव वाली होगी, कईयों आत्माओं का कल्याण के निमित्त बनेगी, तो ये तो उनके पास अपने पास जो बचपन से उनके बचपन से ही उनके लिए भावना थी। तो जिस समय दादी जी ने यज्ञ में आना शुरू किया तो फादर का सपोर्ट था, क्योंकि उनको मालूम था कि इनकी जन्म पत्री में, इनके भाग्य रेखाओं में ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली कन्या है, इसलिए उन्होंने बहुत प्यार से सम्मान से सहयोग दिया, समाज की चिंता न करके कि समाज क्या कहेगा। दादी जी को आराम से, रामा नाम से भी आराम से ये यज्ञ सेवा में आने का सौभाग्य मिला। फिर यज्ञ में आई तो कुमारी अपनी विशेषता के कारण फिर बाबा या मामा ने कुमारे का, कुमार का नाम दिया। आप ऑलराउंड थी, इजी नेचर थी, और दादी जी के अंग संग रहते हुए प्रखर बुद्धि, विशाल बुद्धि, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कैच करने वाली, तो नाम कुमारका का हर क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम होता था तो इजी नेचर होने के कारण, फ्रेंडली स्वभाव होने के कारण सबकी स्नेही थी, गुणग्राही थी। फिर बॉम्बे में जब यज्ञ सेवा को, सेंटर्स को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो भी बहुत कुशलता से सेवा का कार्य संभाला, और जैसे इनकी भाग्य की रेखाओं में बहुत बड़ा कार्य जैसे जन्म पत्री में था, जब बाबा अव्यक्त हुए तो ये भाग्यशाली रथ
ब्रह्मा बाबा ने अपना हाथ इनके हाथ में देते हुए एक गुप्त रीति से वो शक्ति ट्रांसफर की और दादी जी ने बड़ी कुशलता से प्रशासन का कार्य संभाला और बड़ी नम्रता से स्नेह से नेचुरल लाइटनेस से। दीदी मनमोहिनी जी पहले से ही जगदम्बा माँ सरस्वती जिनको हम मम्मा कहते थे उनके अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी मनमोहिनी जी को ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सहयोग देने के लिए दादी जी ने बड़े सहयोग से बड़े स्नेह से दीदी और दादी ने ये कार्य जो संभाला उसमें कमाल ये रही कि एक दो के प्रति इतना स्नेह इतना सम्मान। दादी जी को ये नहीं कि अभी अगर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट कार्य मिला है, उनकी दीदी जी के प्रति श्रद्धा भावना, दीदी जी मैच्योर थी, संसार का समाज का अनुभव भी था, यज्ञ का अनुभव भी बहुत अच्छी तरह से था, तो दीदी जी की जो यज्ञ संभालने की कुशलता बुद्धिमत्ता परखने की शक्ति थी दादी जी ने उसको बहुत विशेषता दी, बहुत महत्व पूर्ण सहयोग ईश्वरीय कार्य में परमात्मा के कार्य में जो मिल रहा था उसको सम्मान दिया। और दीदी जी ने प्रकाशमणि दादी जी की जो विशेषता थी जो योग्यता थी उसका हृदय से अप्रिसिएशन बहुत स्नेह से सबके प्रति सम्मान भावना भरी। दादी जी दादी जी दादी जी दादी जी दीदी जी को महत्व देती थी और दीदी जी फिर दादी जी को हमेशा आगे रखती थी। ये ऐसे ही था, कभी कभी जब हम पिकनिक पर जाते थे तो दीदी दादी हम सब के साथ बैडमिंटन खेलती थी या कभी और खेल होता था तो आपस में भी खेलती थी और हम सब के साथ भी खेलती थी। परंतु मैंने विशेषताओं में एक दो को सम्मान स्नेह देते हुए जो उनका सी सौ का झूला देखा वो बड़ा प्रेरणादायक रहा। सी सौ में क्या होता है, उस झूले में क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति नीचे भार लेकर के आता है दूसरे को अपलिफ्ट करता है ऊपर करता है और ऊपर वाला फिर नीचे जाता है नीचे वाले को अपलिफ्ट करता है। तो दीदी जी ने दादी जी के पर्सनैलिटी में समाई हुई जो विशेषताएं गुण भविष्य का प्रकाश देखा उसको इतना सम्मान दिया और हमेशा उनको आगे रखा और स्वयं यज्ञ को संभाला। अब प्रकाशमणि दादी जी ने फिर वही सी सौ वाला खेल खुद नम्रचित होकर निर्माणता से निर्मल हृदय से सम्मान से दीदी जी को आगे रखा और यज्ञ के कार्य में हमेशा कोई भी निर्णय लेना होता था तो हमेशा कहते थे, दीदी जी कहती थी, अच्छा ये राय अपनी दादी जी ने दी है, ये हमारा विचार है, हम दादी जी से फाइनल करके फिर आपको बताएंगे। तो दादी जी और दीदी जी ऐसे ही अगर कोई आके कहता था कि दीदी जी ने हमको ये बात कही है और हम समझते हैं ऐसा होना चाहिए, आपका क्या विचार है, प्रकाशमणि दादी जी कहती थी, दीदी जी ने विचार दिया ना, दीदी जी का जो फाइनल निर्णय है, दीदी जी विशाल बुद्धि हैं,
प्रखर बुद्धि है, परखने की शक्ति बहुत तेज है, अनुभवी है। जो दीदी ने कहा है वो ठीक ही कहा है, फिर भी एक्स्ट्रा कुछ और सोचना होगा, बात करनी होगी तो हम दीदी जी से बात करके फिर आपको बताएंगे। कभी भी ये नहीं एक दो का फायदा लिया, कोई ने चाहा भी सही यदि दोनों की मत को अलग करने का, परंतु ये एक वंडर ये रहा कि वैसे कोई संस्था का बड़ा चला जाता है तो चांस लेते हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट करके डिवीजन करने का, यहाँ यूनिटी, हार्मनी, लव, रेस्पेक्ट। तो ये प्रसिद्ध था, दीदी जी कहती थी हम दो शरीर एक आत्मा है, दादी जी कहती थी हम एक आत्मा के, एक ही आत्मा है, दो शरीर में एक आत्मा है, तो आत्मा का, एक आत्मा का तो वही विचार होगा, क्योंकि दो आत्मा ही नहीं है तो दो विचार कहाँ से होंगे। एक विचार है, एक निर्णय है, एक ही व्यवहार है। तो ये था यूनिटी का पावरफुल प्रत्यक्ष फल, जो आज ये संस्था बढ़ती चली गई, एकता रही, शक्तिशाली कार्य रहा और अनेक कार्य अब तक सिद्ध होते रहे। दादी प्रकाशमणि जी, दीदी जी के शरीर त्यागने के बाद दादी प्रकाशमणि जी के पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दीदी जी, दादी जी ने बड़ी दादियों को, बड़ी बहनों को बहुत स्नेह और सम्मान दिया, उनका हर प्रकार से उनकी विशेषता का सहयोग लिया, क्योंकि कई दादियां उनसे उम्र में बड़ी थीं, उन्होंने उनको उतना ही महत्व दिया जितना पहले उनका महत्व, उससे भी ज़्यादा दिया। और संस्था की, इंस्टीट्यूशन की जो विशालता, जो सेवा बढ़ती चली जा रही थी, उसको बड़ी कुशलता से प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते एक फार साइटेड होकर के देखा। तो अभी दादी जी दो, क्योंकि बहुत सारे योग शिविर होते थे, सेमिनार्स होना शुरू हो गए, किसी जब विंग्स, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले, साइंटिस्ट विंग, बिजनेस विंग, विमेन विंग, हर प्रकार के 14-15 विंग्स, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोफेशंस, ज्ञान विज्ञान के आधार से अलग अलग जो विंग्स थे, उसके कारण बहुत सारी एग्जीबिशन, क्या कॉन्फ्रेंसेस होती थी। अब दादी जी का नाम कुमारका जी, दादी जी ने कुमारका नाम सार्थक किया। अब तक तो बहनें ज़्यादा संभालती थी यज्ञ को, अब भी फिर बहनें ही इंस्टीट्यूशंस की निमित्त हैं, सब स्थान की जो प्रभारी हैं अथवा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है वो बहनों के हाथ में है, परंतु दादी जी ने ये विस्तार देखते हुए, इतनी बड़ा, जब 500 तो कोई बड़ी बात नहीं, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 तक आना शुरू, बढ़ना शुरू हुआ, तो दादी जी ने हर डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अच्छे अच्छे एजुकेटेड एक्सपर्ट भाई बहन भाई आना शुरू हुए, तो दादी जी ने जिन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पण किया या ट्रायल के लिए आए कि हम थोड़ा सर सेवाधारी बन करके सेवा करना चाहते हैं, दादी जी ने वो डिपार्टमेंट कुमारों के हाथ में दिया और कुमारों का उत्साह बढ़ाया। यूथ की एनर्जी को कैसे यूज़ करना चाहिए, इक्वली ही रतनमोहिनी दादी जी को निमित्त बनाया कुमारियों की ट्रेनिंग के लिए, ताकि कुमारियों को भी उसी प्रकार से ट्रेनिंग मिलती रहे जो वो सेंटर संभाले, और कुमारों की यूथ एनर्जी जो है वो इस प्रकार शुभ कार्य में इस्तेमाल होवे। तो हर कार्य दादी जी का बड़ी कुशलता से रहा, सफलतापूर्वक रहा, कोई लाइट इजीनेस नेचर, अपनी स्टडी पर भी बहुत ध्यान, योग पर भी ध्यान, सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखना, हर एक से सलाह करके एक मत की एक मर्यादा का पालन करते हुए जो कार्य किया उसमें सफलता रही। हमने दादी से, हम रोज़ मिलते ही थे जब भारत में आते थे, तो सुबह भी जाते थे गुड मॉर्निंग करने, रात को भी गुड नाइट करने जाते थे, दिन में भी कुछ ना किसी कार्य से मिलना होता था,
तो बहुत बिजी रहती थी दादी। दादी जी ने कभी ऑर्डर नहीं चलाया, पर सिस्टम ऐसे रखा जो हर चीज़ बिल्कुल ऑर्डर से चलती थी, संयम से चलती थी, नियम से चलती रही, रेगुलर चलती रही। जैसा सिस्टम बना हुआ था दीदी जी के समय, उससे और भी वृद्धि होती गई, कार्य बढ़ता चला गया। हमने एक दिन दादी जी से कहा, दादी जी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, आपको प्रेशर नहीं लगता कुछ? का प्रेशर किस बात का, मैं थोड़ा कुछ कर रही हूँ, कार्य कराने वाला करा रहा है, मेरे मुझे तो मैं तो देख रही हूँ बाबा कितना सुंदर तरीके सबके सहयोग से सबके स्नेह से कार्य कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, एक दिन मैंने पूछा, रात को गुड नाइट करने जाती थी, तो मैंने कहा दीदी दादी आपको दिन भर इतनी सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ भी होती हैं, चैलेंजेस भी तो हैं सबके साथ कार्य करने के, आप ठीक सो जाती है? तो कहा और क्या करूँगी, सोने के लिए तो रात है ना, मैं दिन भर का मैं जब सोने से पहले, वो हमेशा मुरली पढ़ के सोती थी, हम सुनते थे हेडलाइन मुरली की, ब्लेसिंग पढ़ के ही सोते, हमको सुना के ही सोती थी, हम गुड नाइट करने जाते थे, और भी बहने जाती थी, तो कहती थी आज का ड्रामा पूरा हुआ, जो कार्य कराना था करण करमन हार ने कराया, अब आज की चिंता लेकर के जो आज समाप्त हो गया उसको मैं लेकर के क्यों सोऊंगी, कल का कार्य नया ड्रामा शुरू होगा, हम साक्षी होकर के देखेंगे बाबा को साथी बना के। तो जैसे प्रकाशमणि जी का नाम प्रकाशमणि, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश, जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार का और स्नेह का प्रकाश, सूर्य समान पवित्रता का प्रकाश, चंद्रमा समान शीतलता का प्रकाश, और सबके प्रति जो स्नेह सहयोग के साथ साथ लाइटनेस, लाइट थी तो लाइटनेस डबल लाइट थी, तो हर प्रकार से दादी जी की विशेषताएं तो बहुत है जो अब तक भी वो कार्य कर रही हैं। तो जैसे दादी प्रकाशमणि जी का नाम प्रकाशमणि है, आज भी वो सबके मन मंदिर में हीरा बन करके, मणि बन करके चमक रही हैं और चमकती रहेंगी। ओम शांति। अब समय आया है गम की बातों को खत्म करो और एवर हैप्पी का वरदान वरदाता से लियो। वरदाता आया ही है हम सभी को ऐसी खुशी देने का। आप लोग ने सुना होगा गोप और गोपियां होती थी, उनका गायन है कि वो भगवान की मस्ती में रहती थी तो उनको अतीन्द्रिय सुख का सदा ही मजा रहता था। तो इंद्रियां के सुखों में जाएंगे तो गम और खुशी पाएंगे, लेकिन इंद्रियों के सुख से ऊपर जाओ तो सदा अतीन्द्रिय सुख है। तो इंद्रियां मनुष्य को अधीन बनाती और इंद्रियां जीत बनो तो आप अधीन नहीं पर इंद्रियों को अधीन करेंगे। तो गम है अधीनता और खुशी है इंद्रियों को अधीन करके रखने का। इसलिए हम कहती हूं ये मुख है, अरे मुख से मुस्कान रखो। जब मूर्ति में जाएंगे मंदिर में, मूर्ति जाओ कितनी मीठी मुस्कान करती, देखते ही मुस्कान आ जाती है। वो तो ऐसी मुस्कुरा रही थी कैसे कि मुझे आनंद दे दिया। वो मूर्ति है देवताओं की, फिर भी है तो मूर्ति जर, और हम कौन है? हम आत्मा का ये चैतन्य मूरत है, और ये मूरत कहे हाय हाय क्या करूं, हाय रे ये कोई चैतन्य दे मनुष्य है क्या? मनुष्य और हाय हाय करे, हम किसके संतान? तब कहती हूं हमारी ये देवताओं की मूर्तियां हैं,
वे हमारे चित्र यादगार मुस्कुराते और हम चेतन में उदास नहीं। इसलिए ये राजयोग जिसको हम आध्यात्मिकता कहते ये नहीं जरूर नई चीज है जो हमारी जीवन से सदा के लिए ये दुख अशांति गम उदासी सब ले लेता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। आज दादी जी का स्मृति दिवस है। दादी जी की मीठी मधुर शिक्षाएं सदा हमारे साथ है। मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि दादी जी के अंग संग रहने का हमें मौका मिला। बचपन से ही हमें दादी जी की पालना मिली। जबी स्कूल में छुट्टी होती थी और संडे को मैं दादी को मिलने जाया करती थी गामदेवी सेंटर पर। हमें याद आ रहा है कि दादी जी ने मुझे कहा कि महाबलेश्वर में प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, तुम चलेगी? तो वेकेशन था और मैंने तुरंत दादी जी को कहा, हाँ दादी, मैं आपके साथ वहाँ सेवा में जरूर आएगी। तो बॉम्बे से पूरी टीम जो है वो दादी जी के साथ गए। दादी जी ने पूरी लीडरशिप लेके बहुत सुंदर हॉल में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया और उसी समय बॉम्बे के गवर्नर मंगलदास पकवासा जी थे और दादी ने उनको निमंत्रण दिया और वो भी एग्जीबिशन देखने आए। दादी जी ने हम सब कन्याओं को प्रदर्शनी कैसे समझानी है उस पर ट्रेनिंग दिया और हम सब के अंदर उत्साह और उमंग भरा। और दादी जी ने कहा कि जो भी बहनें सबसे अच्छा प्रदर्शनी समझाएंगी उसको मैं प्राइज देंगी। और हमने देखा कि दादी जी खुद पूरा प्रदर्शनी के टाइम वहाँ रहते थे और जब हम पार्टी को समझाते लास्ट चित्र पर लाते थे और फिर दादी जी वहाँ सबको मिलती थी, अच्छी तरह से पालना देती थी और दादी खुद उनसे ओपिनियन लिखाती थी। तो महाबलेश्वर में दादी जी ने हमको इतनी अच्छी पालना दिया कि हमने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि हमें ऐसा ही सुंदर जीवन जो है वो अपनी बनानी है। दादी जी के जीवन में हमने सदा उमंग और उत्साह देखा। 1985 में यूएनओ ने इंटरनेशनल यूथ ईयर डिक्लेयर किया। उस समय हमारी माउंट आबू में मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में अनायासी मुझे विचार आया तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी, जब ये यूथ ईयर है तो हम सब यूथ मिलके एक पद यात्रा का आयोजन करें। तो दादी ने तुरंत वो बात को ले लिया और सभी को इतना उत्साह उमंग दिया और मैं मेरा अनुभव दादी के साथ का सुना सकती हूँ कि दादी खुद 11 जगह से उस समय पद यात्रा का आयोजन किया गया, जैसे मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया, गुजरात से सोमनाथ मंदिर, आसाम से दिब्रूगढ़,
नेपाल से, खटमंडू से, ऐसे अनेक जगहों से पद यात्रा निकली और लास्ट में 24 अक्टूबर को 1985 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया और सभी पद यात्रा एक ही दिन में दिल्ली में प्रवेश किया। तो ये पूरा जो प्रोग्राम चला, दादी जी की ये विशेषता रही कि हम सब दादी जी को अनुभव लिखकर भेजते थे, दादी रिटर्न में हम सबको बहुत ही उमंग उत्साह दिलाती रहती थी। और सबसे बड़ी बात, दादी 11 की 11 जगह पद यात्रा का इनोग्रेशन करने गए, खुद ने माथे पर दादी कुंभ लेती थी और दादी थोड़ा पद यात्रा में थोड़ा चलती थी और स्टार्ट कराती थी। आज भी मुझे ये सीन याद आ रहा है कि इस पद यात्रा के बाद दादी जी के ब्लेसिंग से अनेका अनेक सेंटर खुले। कन्याकुमारी से दिल्ली 5 मास सभी ने ये पद यात्रा किया, अनेक सेंटर वहाँ भी खुले। बॉम्बे से दिल्ली 4 मास हुआ, बहुत सेंटर खुले, अनेक लोगों ने अपनी जो बुरी आदतें थी, चाहे टोबेको खाना, ड्रिंक लेना, सब उन्होंने छोड़ा और ये एक जीवन का वंडरफुल अनुभव हमारा दादी जी के साथ रहा। दादी जी को मैं पूछती थी, ये बात है 1975 की, तो दादी को मैंने कहा हमारे पास कवि भरत व्यास जी, कवि प्रदीप जी आते हैं, दादी हम उनसे गीत लिखवाए, क्योंकि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुरू से, स्थापना से ही जब प्रवचन शुरू होता है उनके पहले गीत जरूर रखा जाता है, संगीत को प्राधान्य दिया जाता है। तो दादी जी तुरंत मेरे को कहती थी, आप सुंदर ज्ञान के दिव्य गीत जरूर बनवाओ। तो आज दादी जी की प्रेरणा से जो गीत बने हैं वो इतने सालों के बाद भी हर एक सेंटर पर सुबह 7 बजे अंतर मन में ज्योति जगा लो गीत बज रहा है। दादी जी को मैं पूछती थी, दादी हम इस एरिया में यहाँ सेंटर खोले, दादी जी ने आज तक कभी हमें ना नहीं कहा। दादी जी और इनकरेज करती थी, हाँ जरूर खोलो। तो सचमुच मेरा ये अनुभव है दादी जी के साथ कि दादी जी ने हम सब छोटे छोटी बहनों को हर एक सेंटर संभालने के निमित्त बनाया है। आज हजारों सेंटर है, सब बहनें ही संभाल रही है, तो ये एक दादी जी की कहेंगी कमाल है कि दादी जी ने एक एक बहन को लीडर बनाया है। दादी जी ने सदा अपने को निमित्त समझा। माउंट आबू में भी जब हमारे ओम शांति भवन का इनोग्रेशन हो रहा था, तब सारे जर्नलिस्ट ने दादी से पूछा, दादी आप इतना बड़ा कारोबार संभाल रही हो, आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी ने इतना सुंदर जवाब दिया, दादी ने कहा कि मैं कभी ये समझती नहीं हूं कि मैं कर रही हूं, सदा ये समझती हूं कि वही करण करावनहार आत्मा से, मुझ आत्मा से करा रहा है। तो सदा आप इसलिए देखेंगे, चाहे माउंट आबू में, चाहे ओम शांति भवन में, चाहे शांति वन में, ज्ञान सरोवर में, दादी के जहां भी जितने भी फोटो है, दादी का फोटो सदा स्माइलिंग फेस ही होगा। दादी हमेशा कहती थी कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। सदा दादी जी खुशनुमा रहती थी, सबको खुश में रखती थी। सदा दादी का
हमने प्रसन्न चित्त चेहरा ही देखा है। जितनी दादी में महानता थी उतनी ही दादी में निर्माणता थी। तो आज इस स्मृति दिन पर हमारी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी को कोटि कोटि नमन है। ओम शांति।